जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ेगी तो वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के कारण जब वाष्प ऊपर जाएगी तो ऊपर जो धूल के कारण है उससे संघनन होकर वो बादलों में परिवर्तन होगी, जिससे बादलों का निर्माण होगा। बादल हवा के साथ आगे जाएंगे, जिससे वो जब दो बादल टकराएंगे आपस में मिलकर भारी हो जाएंगे। आपस में भारी होने के बाद जमीन से पृथ्वी से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण बादलों पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिससे बादल ऐसा वर्षा वापस मरता पानी को सोख लेगी। वो पानी अभी